दोस्तों, इंडिया मार्ट कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा टॉप से डाउन है और दिन ब दिन हमको इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कई बार इस कंपनी के शेयर ने बाउंस बैक करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, कंपनी का शेयर फ्राइडे को भी 3% से ज़्यादा गिरा। दोस्तों, इस कंपनी ने 9,950 का हाई लगाया था और दोस्तों उसके बाद से इसमें कई बार गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, कई बार उठने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों फाइनली काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कंपनी बेकार है या कुछ और रीज़न है? दोस्तों, सबसे पहले अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को आप देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल मुझे काफ़ी हद तक सही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर पर जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, आप देख सकते हैं 2019 के बाद से इसने भी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके की बढ़त दिखाई है। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इस बात के संकेत तो क्लियर देखने को हमको मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कर्जा भी नहीं है, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। फिर दोस्तों, इतनी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, वजह क्या, आप अगर थोड़ा सा पास्ट में देखेंगे, 2019 से अब तक इस कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 2019 से लेकर अब तक 350% के आसपास के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, इतनी गिरावट के बाद, यानी कि दोस्तों 35 से 40% गिरावट के बाद भी अगर आप 2019 से देखेंगे तो इस कंपनी ने 350% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी के शेयर जब बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो उसमें गिरावट के चांस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये कंपनी का शेयर इतना ज़्यादा भागा था, 1100-1200 के आसपास की कंपनी की लिस्टिंग है, उसके बाद से इस कंपनी ने 10,000 के आसपास तक के लेवल को टच करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद दोस्तों इसमें गिरावट हुई है। यानी कि दोस्तों, कोई 1100-1200 का शेयर जब 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा तो दोस्तों इतना बढ़ने के बाद गिरावट भी तो होगी। तो दोस्तों, ये वही गिरावट है क्योंकि कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी देखने को अच्छी लगती है। और दोस्तों, इसके अलावा ये कंपनी अपने Q3 के नतीजे पेश करने वाली है, जिसकी डेट इस कंपनी ने रखी है 24 जनवरी। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि नतीजे कैसे आते हैं और नतीजों के बाद इस कंपनी का शेयर क्या बाउंस बैक करता है या और भी ज़्यादा गिरावट हमको दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा कर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।